मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है। हाफिज़ मोहम्मद शाहज़ेब अंसारी मेरा बड़ा बेटा है। उसके अलावा मेरे दो बेटे और एक बेटी और हैं। शाहज़ेब की उम्र 26 से 27 साल थी और सिंध यूनिवर्सिटी से उसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ग्रेजुएशन की थी। तकरीबन 2 साल पहले ही हमने उसकी 2 से 1.5 साल पहले हमने शादी की थी और उसका एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 8 माह है। मेरा पेशा रेंटा कार से वाबस्तगी है। कुछ अरसे से वो भी मेरे साथ मुआवनत के लिए इस शोबे से वाबस्ता हो गया था गुज़िश्ता 2 से 3 माह पहले। वाकया ये 9 नवंबर की शाम थी। वो यहाँ से सवारी लेकर हैदराबाद से, जो कि मैंने ही उसे दी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से, और वो कराची कोरंगी क्रॉसिंग पर ड्रॉप करना था। वो उसने वहाँ ड्रॉप कर दी और ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि वो ख़ुद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करता था इन ड्राइव, उसने मुझे बताया कि पापा मैंने इस सवारी को ड्रॉप कर दिया है और दूसरी सवारी मेरे पास आ गई है, मेरी बात हो गई है, मैं उन्हें लेने के लिए गुलजार हिजरी यहाँ से कोरंगी से जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ इन लोगों के पास जिनको लेकर मुझे लतीफ़ाबाद 9 नंबर आना है। बस वो मेरी आखिरी उससे बात थी, उसके बाद मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की गई क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया था। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, नमाज़ के बाद जब आया गाड़ी को ट्रैकर पर चेक किया, गाड़ी उसी एरिया में कोई तकरीबन आधे घंटे से दाएं बाएं बेतरतीब अंदाज में मूव हो रही थी। फिक्र हुई तो कॉल करने पर कॉल नहीं हुई। उसके बाद मैंने ट्रैकर से गाड़ी बंद करवा दी कोई 1 घंटे के बाद, लेकिन गाड़ी उसी एरिया में रही और गाड़ी उन्होंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, उनसे वो छोड़ कर चले गए। वो तो इंतहाई मिलनसार नेक, लड़ने झगड़ने वाला था ही नहीं, हाफिज़ कुरान था, कुरान से ज़्यादा रग़बत थी उसे। उसके नमाज़ों के अलावा घर में होता था तो टाइम पे नमाज़ों की पाबंदी करना और फुर्सत में कुरान की बस तिलावत करना, स्टडी करना, ये उसका शौक़ था। लगता तो ऐसा ही है कि गाड़ी ही छीननी थी, क्योंकि जब हमने ट्रैकर बंद करवा दिया तो उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ी की पिछली सीट हटी हुई थी, वो डिग्गी में पड़ी हुई थी, और अमूमन ट्रैकर के जो लोग जानते हैं ट्रैकर को काटना या उसको डिसकनेक्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करना, उसके वायरिंग वगैरह फ्यूल पम्प में जाते हैं जो कि सीट के नीचे होता है। तो वो कोशिश किए लेकिन वो नाकाम रहे, या वो अनाड़ी थे। एक्सरे वगैरह किए और बॉडी को भी चेक किया तो कोई उस पर ख़ास तशद्दुद वगैरह के निशानात ऐसे चेहरे पर कुछ थे निशानात, मुमकिन है कि वो फेंकने में हुए हों, ऐसा नहीं था। हड्डियाँ वगैरह सब उसकी ठीक थी। एक बुलेट थी जो उसकी बैक साइड से लगी थी और यहाँ आईब्रू के पास आके ठहर गई थी। देखें, जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पर एक मकामी साहब थे, उन्होंने ये बात हमें बताई थी जब उन्होंने हमारे बच्चे को देखा, हमारे साथ ही थे, वो कौन थे ये नहीं पता, कि आपकी गाड़ी हमने देखी, हमारे घर के पास से गुजरी है 2 मरतबा देखी है, उस वक्त इसमें कोई वाइट कॉटन के कपड़ों में कोई साहब थे और उनके साथ कोई लड़की बैठी थी, लेकिन आपका बेटा नहीं था इसमें। ये बात तो उन्होंने हमें बताई थी, क्या हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, हिम्मत दे, बहुत मुश्किल है। खुसूसन उसकी जो बेवा है, वो भी हमारी बेटी है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। वो दोहरे सदमे का शिकार हो गई। 1 माह पहले उसकी माँ अचानक चली गई थी, अल्लाह को प्यारी हुई, और 1 ही महीने के अंदर वो शोहर भी चला गया। वो बहुत टूट फूट चुकी है, उसकी वजह से हम बहुत फ़िक्रमंद हैं। इंशाअल्लाह यहाँ नहीं तो यौम आखरत में तो इसका इजाला हमें अल्लाह की तरफ से मिल ही जाएगा। यहाँ तो मुमकिन नहीं है कोई इजाला, कुछ भी नहीं है, नेम व बदल है ही नहीं इसका। जब भी आते थे, जब हमारी छुट्टी होती थी संडे सैटरडे संडे, तो मैं बैठा होता था मैं घर में कमरे में, और वो जब उठ के आते थे तो हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी होती थी कि जिस पे हंसी आती थी। बिल्कुल हर बात पे जो है मजाक मस्ती हम क्या करते थे, तो अब उनकी बहुत याद आती है हर बात पे। कोई भी अगर चीज़ भी कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जो उनसे रिलेटेड है तो उनकी बात याद आती है। वो हर बात में सपोर्ट करते थे, उन्हें मुझ पर भरोसा भी था पूरा। जो भी मैं करता था बस वो ये बोलते थे कि हाँ दिल लगा के आपको करना है, और फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट कर दिया करते थे इस मामले में। जब कभी मैं वालदेन से नहीं ले पाता था तो मैं इनसे बोलता था तो ये फ़ौरन हाज़िर होते थे इस बात के लिए।
जो भी अगर हमारे सदमे को महसूस करें थोड़ा सा भी, उनसे ये खुसूसी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिन जालिमों ने ये काम किया है उन्हें गिरफ़्तार करके और संगीन सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी और के साथ इस किस्म की हादसात ना हों। मुकद्दर में लिखा है हादसात वाक़यात अल्लाह की तरफ से हैं, वो तो होकर रहेंगे। हाँ, ये है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई किसी के साथ होता है, तो मेरी तो मशवरा और राय यही है कि भाई जान बहुत कीमती है, अगर आपसे कोई कीमती चीज़ वो ले रहा है तो उसको दे दें, वो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान नहीं आ सकती।